आइए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। किसी अभिक्रिया ए प्लस बी टू गिव्स ए बी टू में निम्नलिखित अभिक्रिया मिश्रणों में सीमांत अभिकर्मक यानी लिमिटिंग रिएजेंट यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। पहला क्या कह रहा है, ए के 300 परमाणु प्लस बी के 200 अणु। देखिए ए के परमाणु कहा है क्योंकि ए अकेला है, और बी के अणु कहा है क्योंकि बी और बी मिलके बी टू बना दिया है, तो दो या दो से अधिक परमाणु मिलके अणु बना लेते हैं। तो कह रहा है अगर ये है तो इसमें सीमांत अभिकर्मक कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर अभिक्रिया ए प्लस बी टू गिव्स ए बी टू, यहाँ पर ए का भी एक मोल है, जब कुछ नहीं आगे होता तो हमने बताया था एक मोल माना जाएगा, तो एक मोल ए का है, बी टू का भी एक मोल है, ए बी टू का भी एक मोल है, मतलब वन अनुपाते वन के रेशियो में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट हैं, अभिकर्मक और उत्पाद। ए के 300 परमाणु बी के 300 अणु के साथ क्रिया करते हैं क्योंकि एक एक का रेशियो है, लेकिन यहाँ बी के 200 अणु दिए गए हैं, ये 300 इसके 300 से रिएक्शन करेगा क्योंकि यहाँ भी एक मोल है, यहाँ भी एक मोल, तो एक एक का रेशियो, तो ये 300 है तो ये भी 300 होना चाहिए पूरी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, लेकिन यहाँ पर बी के 200 अणु हैं, अतः बी कम है, ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए बी को सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। सीमांत मतलब सीमा के अंत तक उसका अंत हो जाए, यानी रिएक्शन जब हो खत्म हो तो उसका अंत हो जाए, इसलिए उसको सीमांत या लिमिटिंग रिएजेंट मतलब लिमिट में है। बी क्या कर रहा है, दो मोल ए प्लस थ्री मोल बी। अब देखो वन वन का रेशियो है तो बी के थ्री मोल को ए के तीन मोल के साथ क्रिया कराते हैं, ए का भी तीन मोल है तो बी के भी तीन मोल होना चाहिए, अगर बी का तीन मोल है तो ए के तीन मोल होना चाहिए तभी रिएक्शन होगी, क्योंकि वन वन का रेशियो होना चाहिए तब दोनों खत्म होंगे साथ में, लेकिन बी ए के दो मोल है अतः यहाँ पर ए सीमांत अभिकर्मक होगा क्योंकि ये कम है। अगला देखते हैं, ए के 100 परमाणु प्लस बी के 100 अणु। यहाँ पर देखिए ए के 100 परमाणु बी के 100 अणु एक साथ एक स्टाइक्योमेट्रिक मिश्रण बनाते हैं, मतलब ए और बी बराबर हैं, इसलिए रिएक्शन पूरी तरह कंप्लीट होगी, न ए सीमांत अभिकर्मक होगा न बी, यहाँ अतः ना तो ए और ना बी सीमांत अभिकर्मक है क्योंकि दोनों खत्म हो जाएंगे साथ साथ। अगला ए के 5 मोल बी के 2.5 मोल। अब देखो चौथा, यहाँ पर बी के 2.5 मोल है जबकि ए के 5 हैं तो बी के भी 5 होना चाहिए, अतः बी जो है पूरा खत्म हो जाएगा और रिएक्शन के बाद 2.5 मोल इसके बच जाएंगे क्योंकि एक एक के अनुपात में रिएक्शन होगी, अतः बी सीमांत अभिकर्मक है क्योंकि ए के 5 मोल तथा बी के 5 मोल से रिएक्शन करते हैं। अब देखिए ए के 2.5 मोल बी के 5 मोल, तो यहाँ पर ए सीमांत अभिकर्मक है क्योंकि बी के 5 मोल ए के 5 मोल से क्रिया करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन मतलब N2 और H2 निम्नलिखित रासायनिक समीकरण के अनुसार अमोनिया बनाती हैं, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ये क्वेश्चन में दिया है N2 गैस है, H2 भी गैस है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा, वैसे अमोनिया भी गैस होती है। तो पहले पूछ रहा है कि यदि 2×10³³ ग्राम डाई नाइट्रोजन यानी N2 1×10³³ ग्राम डाई हाइड्रोजन यानी H2 से अभिक्रिया करती हैं तो प्राप्त अमोनिया के द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रिएक्शन लिख देते हैं, तो N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। अब देखें यहाँ पर अगर देखें तो N2 के 28 ग्राम है, यहाँ पर एक मोल N2 है, यहाँ पर तीन मोल H2 है, यहाँ पर दो मोल NH3 है, तो एक मोल N2 N का 14 होता है तो N2 का 28 यानी 28 ग्राम। यहाँ पर एक हाइड्रोजन का H होता है तो तीन हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है तो तीन हाइड्रोजन का 3 ग्राम होगा, लेकिन H2 लगा है तो 3×6 ग्राम हो जाएंगे, गलत लिखा है, इसको सही कर लीजिए, 6 होना चाहिए। ये 6 ग्राम होगा, 6 मोल।
तो एन टू प्लस थ्री एच टू गिव्स टू एन एच थ्री, तो 28 ग्राम हो गया, ये 6 6 ग्राम होगा मोल सही, तो ये 6 ग्राम होगा, ये एन एच थ्री का एन का 14, एच तीन है तो 17, 17 दो का गुणा है तो 34, 34 ग्राम ये हो गया। अब देखिए इसके पहले कुछ नहीं तो एक मोल होगा, इसके पहले तीन है तो तीन मोल होगा, इसके पहले दो है तो दो मोल होगा। अब देखिए 28 ग्राम एन टू 6 ग्राम एच टू से क्रिया करके 34 ग्राम एन एच थ्री बनाती है, तो 2 × 10^3 ग्राम एन टू कितना बनाएगी, तो 28 ग्राम 34 ग्राम बनाती है, तो 1 ग्राम 34/28, इसलिए 2 × 10^3 ग्राम, 34/28 × 2.00×10^3, तो ये आ गया 2.43×10^3 ग्राम एन एच थ्री, इस तरह से एन एच थ्री बनेगी। अब देखिए कह रहा है क्या दोनों में से कोई अभिकर्मक शेष बचेगा, तो हाँ डाई हाइड्रोजन शेष बचेगा, यानी एच टू हमारा शेष बचेगा। कह रहा है यदि हाँ तो कौन सा उसका द्रव्यमान क्या होगा, तो कौन सा में डाई हाइड्रोजन बचेगा और कितना बचेगा, उसका द्रव्यमान कितना होगा, अभी हम निकाल लेते हैं। तो यहां पर देखिए डाई हाइड्रोजन शेष बचेगा, अब चूंकि 28 ग्राम एन टू 6 ग्राम, ये 6 होना चाहिए हमने बताया था, 3H2 है तो 3 × 2 = 6 होगा, 6 ग्राम H2 से रिएक्शन करता है, इसलिए 1 ग्राम एन टू 6/28 ग्राम H2 से, इसलिए इतना जो क्वेश्चन में दिया गया 2×10^3 ग्राम एन टू अभिक्रिया करेगा कितने H2 से, तो 6/28×2×10^3 ग्राम H2 से, तो ये सॉल्व करने पर आ जाएगा हमारे पास 428.5 ग्राम H2। अब शेष हाइड्रोजन कितना बचा, शेष हाइड्रोजन तो इतना हमारा H2 इतने ग्राम H2 से रिएक्शन करेगी, इतने ग्राम N2, तो शेष कितना बचेगा, जितना हाइड्रोजन है हमारे पास, हाइड्रोजन यहाँ देखिए इतनी है, तो इतने में से जो इतना रिएक्शन कर रहा है N2 के साथ उसको घटा दें तो कितना बचेगा वो आ जाएगा। तो देखिए इतना हाइड्रोजन था, इतने में इतना रिएक्शन करेगा तो इतना घटा दिया, तो ये हमारे पास 571.5 ग्राम हाइड्रोजन बच जाएगा। अतः अभीष्ट द्रव्यमान हाइड्रोजन कितना होगा, 571.5 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, 0.5 मोल Na2CO3 और 0.5 m का मतलब मोलर Na2CO3 में क्या अंतर है। तो 0.5 मोल देखिए, एक मोल जो है उसके अवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, और अगर ग्राम में देखा जाए तो जो मोलर मास होता है जिसको ग्राम अणुभार कहेंगे या परमाणु हो तो परमाणु भार कहेंगे, उसके बराबर होता है, तो एक मोल इसके परमाणु भार के बराबर होगा। अब इसका परमाणु भार कितना होगा, अणुभार कितना होगा, परमाणु नहीं अणु, क्योंकि कई आइटम है एक साथ, तो आणु भार कितना होगा, तो Na2 दो है तो 2 × Na 23 होता है, 23+ C का 12 होता है, तो 12+ O का 16 होता है, और 3 है तो 3 × 16, तो ये आ जाएगा 100 जितना भी आएगा। अब देखिए एक मोल के लिए है इतना, और हमको निकालना है आधा मोल के लिए, इसलिए आधा यानी 1/2 का गुणा कर दिया, या ये कहें कि 2 का भाग दे दिया, तो ये आ गया 53 ग्राम। तो हाफ मोल Na2CO3 का मतलब 53 ग्राम है। अब जबकि 0.5 मोलर Na2CO3 ब्लेन की मोलरता को निरूपित करता है, कैपिटल है मोलरता को, अगर यहां स्मॉल m लिखा होता तो मोललता को निरूपित करता। अगला क्वेश्चन, यदि डाई हाइड्रोजन गैस के 10 आयतन डाई ऑक्सीजन यानी O2 गैस के 5 आयतनों से अभिक्रिया करें तो जल वाष्प के कितने आयतन प्राप्त होंगे। तो कुल मिलाकर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके पानी बना रहे हैं, तो H2 लिखा प्लस O2 लिखा, गिब्स H2O लिखा। अब
एच टू प्लस ओ टू गिव्स एच टू ओ। अब ओ के यहाँ पर दो हैं, इधर एच टू ओ लिखेंगे तो ओ का एक होगा, इसलिए इधर दो हैं इधर एक, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए इधर दो का गुणा कर देंगे, इधर दो का गुणा हो गया। अब इधर जब दो का गुणा करेंगे तो दो दूनी चार, हाइड्रोजन चार हो जाएगी, इधर हमारी दो ही रहेगी, तो इसको चार करने के लिए इधर भी दो का गुणा कर देंगे। अब जो पहले लिखा होता है हमने बताया था वो मोल होता है या आयतन होता है, तो यहाँ पर दो है तो दो आयतन कह दें या दो मोल कह दें, कुछ नहीं है तो बताया था एक होगा तो एक मोल कह दें या एक आयतन कह दें, यहाँ पर दो है तो दो मोल कह दें या दो आयतन कह दें, तो दो आयतन एक आयतन एक दो आयतन। तो अगर हमारा हाइड्रोजन 10 आयतन होगा तो ये 5 होना चाहिए, क्योंकि इसका ये आधा है, ये 2 है तो ये 1 है, तो ये 10 है तो ये 5 होगा। तो अतः 10 आयतन हाइड्रोजन 5 आयतन ऑक्सीजन से क्रिया करके, अब देखिए ये 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए क्योंकि ये बराबर है, तो 10 आयतन जलवाष्प बनाएगा। क्लियर। अब देखिए निम्नलिखित को मूल मात्रकों में परिवर्तित कीजिए, मूल मात्रक जैसे मीटर, किलोग्राम, मोल, सेकंड, ये सब हम केल्विन, ये सब मूल मात्रक होते थे, पीछे पढ़ाया गया था। तो इतने पिकोमीटर को मूल मात्रक बदलना है 28.7, तो इसको कैसे बदलेंगे, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट लिख दिया है, इंग्लिश वाली बुक में देखिए बढ़िया से सॉल्व करके लिखा है, तो उसको देख लेते हैं। तो 28.7 पिकोमीटर को मूल मात्रक यानी बेसिक यूनिट में हमको लिखना है, तो एक पिकोमीटर बराबर 10^-12 मीटर होता है, तो इतने पिकोमीटर बराबर इसी में 10^-12 का गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.87 × 10^-11 मीटर। अब इसी प्रकार से 15.15 पिकोमीटर, तो एक पिकोमीटर और 10^-12 मीटर, तो इतने पिकोमीटर बराबर 10^-12 का गुणा हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 1.515 × 10^-12 मीटर। अब 25/365 मिलीग्राम, तो एक मिलीग्राम बराबर 10^-3 ग्राम होता है, तो हमारा किलोग्राम मूल मात्रक होता है, तो इसको किलोग्राम बदलना है, तो पहले ग्राम में बदलेंगे फिर किलोग्राम में, तो एक मिलीग्राम बराबर 10^-3 ग्राम, इसलिए इतने मिलीग्राम बराबर 10^-3 का गुणा कर देंगे। अब देखिए चूंकि यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है, अब चार अंक बाद दशमलव लगाया तो यहाँ 10^4 का गुणा कर दिया है ताकि दशमलव का प्रभाव ना पड़े, और एक मिलीग्राम बराबर 10^-3 ग्राम होता है, तो इसलिए 10^-3 का गुणा किया। सिंस अब देखिए एक ग्राम बराबर 10^-3 किलोग्राम होता है, तो इतना ग्राम हमको दिया है, तो 2.5365 × 10^1 ग्राम इसलिए लिखा क्योंकि 10^4 में 10^-3 घटेगा तो एक बचेगा, एक लिखा। अब इतने में अगर 10^-3 का गुणा कर दें तो एक किलोग्राम में बदल जाएगा, इसलिए इसने गुणा कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया 2.5365 × 10^-2 किलोग्राम आया, तो इतना किलोग्राम है, ये देखिए मिलीग्राम गलत लिखा, अच्छा है डायरेक्ट लिखा है, इतने मिलीग्राम बराबर डायरेक्ट लिख दिया, तो चूंकि यहाँ 10^-4 हो गया तो ये प्लस में है, देखिए यहाँ गलत लिख दिया, ये प्लस होना चाहिए दिखना ही रहा, तो ये प्लस में होगा तो इससे घटेगा 10^-2 हो जाएगा, इसलिए 2.5365 × 10^-2 kg हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 10^28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होगी, परमाणुओं की संख्या कह रहा है, एटम्स ध्यान देना, अणु की कहे, परमाणु की कहे, आयंस की कहे, ध्यान से समझना है, नहीं परमाणु की जगह अणु की गिनती करके चले आओगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो एक ग्राम एयू, अब जाहिर सी बात है एयू एलिमेंट है, तत्व तो है, तो इसमें परमाणु ही होंगे क्योंकि एक ही प्रकार के हैं, तो एक ग्राम एयू बराबर, अब देखो एयू का हमारे पास परमाणु भार 197 होता है, आवर्त सारणी में देखना मिल जाएगा, तो एयू का परमाणु भार 197 है,
तो जो परमाणु भार होता है हमने बताया था उसमें आवागाद्रो नंबर के बराबर हमारे पास परमाणु होंगे। तो इतने में आवागाद्रो नंबर यानी एन ए जिसका मान होता है 6.023 × 10²³ उसके बराबर परमाणु होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 197 में परमाणुओं की संख्या 6.023 × 10²³ है इसलिए एक में 6.023 × 10²³/197 तो ये आ जाएगा 3.057 × 10²³ परमाणु यानी एटम्स। अब अगला कह रहा है 1 ग्राम यानी सॉलिड में, यस का मतलब ब्रैकेट में जो लिखा है इसका मतलब सॉलिड। तो यहाँ पर अब फिर से 23 इसका परमाणु भार है उसमें आवागद्रो नंबर एन ए यानी एन ए का मान होता है 6.023 × 10²³ के बराबर परमाणु होंगे। तो 23 ग्राम में इतने, तो 1 ग्राम में इतने बटे 23, तो यह आ गया 2.62 × 10²² परमाणु। आगे 1 ग्राम एलआई सॉलिड में, तो एलआई का 7 होता है परमाणु भार तो डायरेक्ट इसने कर दिया जैसे ऊपर बताया गया वैसे 7 ग्राम में इतने, तो 1 ग्राम में इतने बटे 7, तो 8.6 × 10²² परमाणु आ जाएगा। अब 1 ग्राम Cl2 गैस, गैस में रहती है, क्लोरीन गैस के फॉर्म होती है, तो Cl का हमारे पास होता है परमाणु भार 35.5 और Cl2 है तो 35.5 × 2 = 71 आ जाएगा। तो 71 ग्राम में कितने होंगे, अब देखिए परमाणु तो Cl2 है 2, तो 2 × Na होगा आवागाद्रो नंबर क्योंकि Cl2 है 2 है, तो 1 ग्राम Cl2 में कितना होगा, 71 ग्राम में 2 × 6.023 × 10²³ परमाणु होंगे। क्यों 2 गुणे करेंगे, क्योंकि Cl2 के फॉर्म है, Cl के फॉर्म में नहीं है इसलिए 2 का गुणा हुआ है। तो 71 ग्राम में 2 × 6.023 × 10²³ है, तो 1 में इतने बटे 71 यानी 1.7 × 10²² परमाणु आता। 1 ग्राम एलआई सबसे अधिक परमाणु रखता है। अब देखिए जितने भी हैं इनमें सबसे ज्यादा परमाणु इसी में आए एलआई में 8.6, ये भी कम है, 22 22 तो सब में है और ये मान सबसे ज्यादा, इसलिए एलआई में सबसे ज्यादा परमाणु। क्वेश्चन नंबर 29, इथेनॉल यानी C2H5, इथेनॉल का फार्मूला होता है कि ऐसे जलीय विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें इथेनॉल का मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन जिसको मोल प्रभाज कहते हैं 0.040 है। मोल प्रभाज का जो फार्मूला हमने पीछे पढ़ा, तो इथेनॉल का मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन कितना है 0.040। चूंकि 0.040 इथेनॉल के मोल, अब मोल फ्रैक्शन देखिए का फार्मूला क्या होता था, जिसका निकालना है वो बटे टोटल, तो हमको निकालना है इथेनॉल का, तो इथेनॉल बटे टोटल, तो टोटल में क्या है इथेनॉल का जलीय विलयन है तो इथेनॉल होगा और जल होगा यानी पानी होगा, तो इथेनॉल अपान इथेनॉल प्लस जल होगा इसका फार्मूला। पीछे देखिए मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज पढ़ाए थे तो उसमें फार्मूले सारे आए थे। तो 0.040 ग्राम इथेनॉल, तो इसको मोल में बदलेंगे, तो मोल में बदलेंगे तो N=W/m, बहुत बार हमने बताया, तो W हमारा क्या होगा जो भार दिया होगा और m जो नीचे होगा वो परमाणु भार होगा या अणु भार होगा। तो W/C2H5 का होता है 46, C के 12 बार दूनी 24, H के 5, तो 24 5 31, 24 5 29, एक ये एच और तो 30, और ओ के 16, तो 30 और 16 46 लिखा है नीचे, तो W/46 हो जाएगा। अपान इथेनॉल के जलीय विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, अब देखिए जलीय विलयन है तो अब यहां देखिए कह रहा है कि मान लें कि जल का घनत्व तो 1 है, तो घनत्व तो ग्राम, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन,
मतलब इतने ग्राम पर लीटर है, इतने ग्राम पर लीटर, एक ग्राम पर लीटर। तो कुल मिला के घनत्व तो एक है, यहाँ पर एक ग्राम नहीं एक किलोग्राम होगा, क्योंकि जल का घनत्व तो एक माना गया है, तो एक किलोग्राम पर लीटर मानेंगे, एक किलोग्राम इसका जो है द्रव्यमान मानेंगे। तो एक किलोग्राम को 1000 ग्राम में बदल लिया, 1000 बटे, यहाँ पर 8 नहीं 18 होना चाहिए पानी के लिए, गलत लिखा गया है, इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ C2H5, मोल फ्रैक्शन मतलब मोल अंश या मोल प्रभाज, तो जिसका निकालना होता है ऊपर अपान टोटल नंबर ऑफ कितने हैं सॉल्यूशन में यानी विलयन में। तो विलयन में हमारा इथेनॉल था जिसको C2H5OH कहते हैं और पानी था, तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ C2H5OH, क्योंकि इथेनॉल का निकालना था उसके मोल अपान टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर में इथेनॉल और पानी। तो यहाँ पर देखिए मोल फ्रैक्शन हमको क्वेश्चन में दिया था 0.040 इक्वल टू मोल के लिए एन लिखते हैं, तो एन C2H5OH लिखा अपान एन C2H5OH प्लस पानी का विलयन था तो एन H2O कह दिया, पानी के साथ इथेनॉल भी। अब नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर वाटर, 1 लीटर पानी में कितने नंबर ऑफ मोल होंगे, तो पानी के लिए निकाल रहा है तो एन H2O इक्वल टू एन बराबर W/m। तब 1 किलोग्राम उसका, क्योंकि घनत्व तो एक है, तो 1 किलोग्राम पानी मानेंगे तो 1 किलोग्राम बटे पानी का अणुभार, H2O है तो H का 2, O का 16, तो 18, तो 18 का भाग दिया तो 55.5 मोल आ गए। अब इसी प्रकार इथेनॉल के मोल निकाल लेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एन H2O इन इक्वेशन 1। अब H2O के जो मोल निकले हैं उनकी वैल्यू जो ऊपर इक्वेशन दी गई थी उसमें रख देंगे, तो एन C2H5OH हो जाएगा अपान एन C2H5OH प्लस 55.55। ये था 0.040। अब NH2O कैसे निकालेंगे, तो NH2O इक्वल टू इसको इधर ले आएंगे तो इसमें गुणा हो जाएगा, तो NH2O ये वाला NH2O इक्वल टू ये पूरा 0.040 एन C2H5OH, इसका इसमें गुणा होगा फिर इसका इसमें हो जाएगा प्लस, अब इसका इसमें होता 0.040 55.5 में गुणा हो गया, तो ये आ गया हमारा इसको इतना गुणा किया, तो ये इधर जाके घटेगा, तो ये इधर जब आएगा तो घट जाएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक मानेंगे, तो एक में इतना घटेगा तो आ जाएगा 0.96 एन C2H5OH बराबर, अब इसका इसमें गुणा होगा तो ये आ जाएगा 2.222 मोल। अब एन C2H5OH बराबर इतना अपान ये इधर आएगा तो इतना हो जाएगा, तो सॉल्व करने पर एन C2H5OH यानी इथेनॉल के मोल कितने आ जाएंगे, 2.341314 मोल। इसलिए मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन मोल पर लीटर होता है, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते थे। तो विलेय हमारा कम वाला होता था, तो इथेनॉल कम है तो विलेय होगा और पानी ज़्यादा है तो विलायक होगा, तो विलेय हमारा ये है यानी सॉल्यूट हमारा ये है, तो ये अपान टोटल नंबर ऑफ विलयन। तो मोलरिटी किसके लिए निकालते हैं, 1 लीटर के लिए, तो इसके नंबर ऑफ मोल विलेय के 2.314 अपान 1 लीटर से आ जाएगा 2.314 कैपिटल है मतलब मोलरिटी। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, कह रहा है 1C12 कार्बन परमाणु का ग्राम में द्रव्यमान क्या होगा। तो हमने बताया था जो परमाणु भार होता है या अणु भार होता है वो अवोगाद्रो नंबर के बराबर होता है, अब अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू है 6.023 × 10²³। इतने ही परमाणु जितना मोलर मास या ग्राम अणु भार या परमाणु भार होता है उसके बराबर होता है, तो 6.023 × 10²³ परमाणु कार्बन में 12 ग्राम में उपस्थित होंगे, इसलिए एक कार्बन परमाणु में 12 बटे इतना हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 1.99236 × 10²³ ग्राम। अब कह रहा है अतः C12 कार्बन परमाणु का द्रव्यमान
1.99236 इंटू 10^23 ग्राम हो जाएगा। अब कह रहा है निम्नलिखित परिकलनों के उत्तर में कितने सार्थक अंक होने चाहिए, तो ये हमको दे दिया है। अब इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं, इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कह रहा है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन। कह रहा है कितने सार्थक अंक उपस्थित होंगे जो नीचे दिया गया है, इनको अगर कैलकुलेट किया जाए। तो पहले नंबर वन को कैलकुलेट करते हैं, इसको तो इसको कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेशन करके ये इसको कैलकुलेशन किया तो देखो आ गया 1.64857, इतना आया इसको कैलकुलेट करने पर। लेकिन जो लीस्ट नंबर है यहाँ पर देखिए, लीस्ट प्रिसाइज नंबर ऑफ कैलकुलेशन, यहाँ पर देखिए सबसे कम नंबर वाला ये है, तो इतने ही अंक तक हम लोग मानेंगे। तो ये 0.113 में तीन सार्थक अंक है, यानी तीन सिग्निफिकेंट नंबर हैं, इसलिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द आंसर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द लीस्ट प्रिसाइज नंबर। तो उतने सार्थक अंक माने जाएंगे जितना कम से कम अंक वाली संख्या में सार्थक अंक होंगे। तो इसमें तीन है तो ये तीन सार्थक अंक माने जाएंगे। अब सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड में कैलकुलेट किया गया, इसको तो आ गया 26.82। अब देखिए 26.82 आया, लेकिन जो दशमलव के बाद दशमलव वाली अंक है इसमें देखिए 1, 2, 3, 4 सार्थक अंक है। तो 26 जो हमने निकाला, 26.82 इसमें भी 1, 2, 3, 4 तक ही माना जाएगा, यानी 4 सार्थक अंक होंगे। तो यहाँ पर हम लोग 4 सिग्निफिकेंट लेंगे। अगला है थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर में देखो इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0.8204। अब देखिए जितने भी लिखे हैं, इसमें तीन सार्थक अंक, इसमें तीन सार्थक अंक, इसमें चार सार्थक अंक है, तो ये चार अंक तक लिया जाएगा, अतः चार सार्थक अंक इतना माना जाएगा, इसकी वैल्यू इतनी ही मानी जाएगी। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, इसको सिंस द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस्ड इन ईच टर्म इज 4, दशमलव के बाद सब में चार अंक है। सिंस द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज इन ईच टर्म इज 4, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द आंसर इज आल्सो 4। तो दशमलव के चार अंक तक इसमें कैलकुलेशन किया गया है, तो चार अंक तक ही हम लोग चार सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, प्रकृति में उपलब्ध आर्गन के मोलर द्रव्यमान की गणना के लिए निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़ों का उपयोग कीजिए। तो समस्थानिक यानी आइसोटोप दिए हैं, आइसोटोप का मतलब होता है जिसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर सेम हो। तो देखिए एटॉमिक नंबर सेम है। संभारिक यानी आइसोबार किसको कहते हैं, जिसका परमाणु भार समान हो, यानी एटॉमिक मास सेम हो। मोलर द्रव्यमान दे दिया गया, प्रचुरता मतलब प्रकृति में कितना एबंडेंस मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसको देखते हैं। तो देखिए मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये जितनी मात्रा इसकी है और जितने परसेंट है, तो इतने परसेंट का मतलब 0.337/100 होता है इसका मतलब। तो इसमें अगर इसका गुणा कर दिया जाए तो मोलर मास ऑफ आर्गन निकल आएगा, और पूरे आइसोटोपियन पर का निकालना है यानी समस्थानिक का, तो पूरे का वैसे ही हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब इसका देखते हैं, तो 35.96755 गुणे
0.37 अपान 100 क्योंकि परसेंट में है, प्लस अब ये गुणे इतना बटे 100, इसी प्रकार ये गुणे इतना बटे 100। यहाँ देखिए गलत लिखा है, 99 होना चाहिए, 99। हिंदी में देखिए पूरा सब एक साथ कर दिया है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपान पूरे का 100 करके कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 39.947 ग्राम पर मोल। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, निम्नलिखित में प्रत्येक में परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें इसमें इसमें। तो आप देखिए एक मोल आर्गन बराबर एक मोलर मास आर्गन बराबर एक आर्गन का अणुभार कहें या इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो एक मोल आर्गन में 6.023 × 10^23 परमाणु होंगे, इसलिए 52 मोल में 52 का गुणा हो जाएगा, इतना वैल्यू आ गई 3.131 × 10^25 परमाणु। अब चार यूनिट या ची यूनिट कहें या एमयू कहें एक ही बात, तो चार यूनिट या ची बराबर एक परमाणु, क्यों 2HE4 होता है इसका, 2 परमाणु क्रमांक होता है, 4 परमाणु भार होता है, तो 4 यूनिट एची बराबर 1 परमाणु, क्योंकि 1 एची का 2 एची 4 होता है, तो 4 परमाणु भार हो गया, 2 परमाणु क्रमांक। इसको इस तरह लिखा जाता है 2HE4। नीचे जो लिखता है इसको परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ऊपर वाले को परमाणु भार या मोलर मास या एटॉमिक वेट बोलते हैं। तो ये हमारा जो है 4 यूनिट एची में 1 परमाणु, तो 52 यूनिट में 1/4 × 52, 4 में 1 तो 1 में 1/4, इसलिए 52 में 1/4 × 52, चूंकि इसलिए का क्वेश्चन है, तो 13 परमाणु आ जाएंगे। इसी प्रकार 4 ग्राम एची में तो 2HE4 हमने बताया था, यानी जो परमाणु भार है वही उसमें अवोगाद्रो नंबर के बराबर परमाणु होते हैं, तो 4 ग्राम इसका परमाणु भार है चूंकि, तो इसमें अवोगाद्रो नंबर यानी 6.023 × 10^23 के बराबर परमाणु होंगे, तो 1 में इतने बटे 4 कर देंगे, इसलिए 52 में 52 का गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 52 ग्राम एची में 7.299 × 10^24 परमाणु। एक वेल्डिंग ईंधन गैस में केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित है, इसके नमूने की कुछ मात्रा ऑक्सीजन से जलाने पर 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, 0.690 ग्राम जल के अतिरिक्त और कोई उत्पाद नहीं बनाते। इस गैस के 10 लीटर STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब समान ताप एंड दाब पर मापित आयतन का अणुभार 11.69 ग्राम पाया गया। इसके मूलानुपाती सूत्र और द्रव्यमान भार और अणु सूत्र की गणना कीजिए। तो इसको देखते हैं, देखिए वेल्डिंग ईंधन गैस कार्बन और हाइड्रोजन से बनती है, वेल्डिंग ईंधन गैस जो होती है वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनती है, जिसको एसिटिलीन कहते हैं, उसी से वेल्डिंग की जाती है। तो एसिटिलीन का फार्मूला होता है C2H2, लेकिन हमको नहीं पता तो यक्स और वाई मान लिया, यानी सी में यक्स परमाणु होंगे, एच में वाई मान लिया उसने। अब वो खुद कह रहा है कि 10 लीटर गैस के आयतन का भार 11.69 पाया गया, तो 10 लीटर का भार 11.69 या 69 भूल गया लिखने को, इसलिए 22.4 लीटर, क्यों 22.4 लीटर, हमने बताया था कि एक मोल के बराबर होता है जिस भी गैस का दिया हो, तो 22.4 लीटर का अगर इसमें गुणा कर दे 10 लीटर में इतने ग्राम, तो 1 लीटर में 11.69 ग्राम, इसलिए 22.4 लीटर में 11.69 × 10 × 22.4, तो यह आ गया 25.98
ग्राम प्रति मोल या लगभग 26 ग्राम प्रति मोल आ जाएगा सॉल्व करने पे, क्योंकि हमने बताया कि परमाणु भार का है, चाहे मान लीजिए H2 है तो 2 ग्राम हाइड्रोजन का है, या 22.4 लीटर हाइड्रोजन का है, या 6 × 6.023 × 10²23 अणु हाइड्रोजन का है H2 के लिए, बात एक ही है। परमाणु का है तो 2 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि H2 में 2 परमाणु, तो 22.4 लीटर गैस का द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान होगा, क्यों, इतना मोल के बराबर है एक, इसलिए आणविक द्रव्यमान कितना होगा। अब इतने से तुलना किया तो यही हमारा आणविक द्रव्यमान हो जाएगा, यानी मोलर मास, तो 26 आ जाएगा। इसलिए सी 2 परमाणु कार्बन और 2 हाइड्रोजन के होंगे, क्यों, सी का 12 होता है, 2 होंगे तो 12 × 24 होगा, एच के 2 होंगे तो 2 × 24 = 26 हो जाएगा, तो ये 26 आ जाएगा। इसलिए मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती का मूल बेस, सबसे बेस तो C2H2 है, सी के 2 हैं, एच के 2 हैं, तो मूल इसका क्या होगा, एक सी का होगा, एक एच का होगा, क्योंकि सबसे कम से कम मूलानुपाती सूत्र में लिया जाता है, तो मूलानुपाती सूत्र CH होगा। और अणु सूत्र हमारा चूंकि दोनों के 2-2 हैं तो 2 का गुणा होगा C और H में, तो C2H2 होगा। देखिए भाई एसिटिलीन आ गई ना, जो हमने बताया कि जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। CaCO3 जलीय HCl के साथ निम्नलिखित अभिक्रिया कर CaCl2 और CO2 बनाती है, तो रिएक्शन कैसे होती है, लिख दिया CaCO3 + 2HCl, CaCO3 सॉलिड है + 2HCl गैस है, रिएक्शन करके बनाती है CaCl2 एक्वस, एक्वस का मतलब विलयन, प्लस CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड, एल का मतलब लिक्विड, तो कह रहा है 0.75 mSCl के 25 ml के साथ पूर्णतः अभिक्रिया करने के लिए CaCO3 की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो अब देखें, M दिया है कैपिटल मतलब मोलरता, मोलरता का मतलब एक लीटर में तुलना कर रहा है, तो एक लीटर में इसके एक मोल का मतलब इसके अणु भार के बराबर मौजूद होगा सॉल्यूट यानी विलेय के रूप में, तो ये रिएक्शन लिख दिया CaCO3 सॉलिड + 2HCl गैस के CaCl2 एक्वस + CO2 गैस + H2O लिक्विड। अब देखिए, अब ये मोलर दिया है, तो मोलर क्या बोलते थे, एक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, इसलिए एक लीटर मतलब 1000 ml लिया है, और 1000 ml 1.0 mSCl का मतलब इसके मोलर मास के बराबर द्रव्यमान, क्योंकि सॉल्यूट मोलर मास के बराबर होगा एक लीटर में, तो उसको 1 मोलर बोलेंगे, तो 1 मोलर का मतलब इसके मोलर मास, मोलर मास कितना होगा, एच का 1, सीएल का 35.5, तो कुल मिला के 1 × 35.5 = 36.5, तो 1000 ml 1 mSCl का मतलब 36.5 ग्राम, इसलिए 25 ml 0.75 mSCl का मतलब 36.5 × 1000 × 25 × 0.75 ग्राम SCl, तो सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा 0.6844 ग्राम SCl, ठीक, इतने के लिए इतना, तो इतने के लिए कितना 36.5 × 1000, अब 25 ml में निकालना है तो 25 का गुणा, और ये इतने ग्राम के लिए इतना था तो इतने ग्राम के लिए गुणा हो जाएगा इसका। अब देखिए अभिक्रिया के अनुसार, अभिक्रिया के अनुसार Cl का 35, H का 1, तो 36.5, इसमें 2 का गुणा है तो इसका 2 गुना करेंगे, तो 36 × 72 और 5 का 2 गुना 0.5 का 2 गुना 1 यानी 72 × 73, तो 73 ग्राम SCl बराबर इसके 2 मोल, तो इसका 1 मोल कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो ये 1 मोल होगा तो 2 मोल, इसका मतलब ये CaCO3 का परमाणु भार निकालेंगे, अणु भार तो आ जाएगा 100, सॉल्व करने पे करके निकाल लीजिएगा, तो 100 ग्राम CaCO3 बराबर 73 ग्राम SCl, क्योंकि इसके 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन करते हैं, इसके 2 मोल, 1 मोल 36.5 है तो 2 मोल 73,
तो 73 ग्राम एस सी एल बराबर 100 ग्राम सी एस यू थ्री के, इसलिए 1 ग्राम एस सी एल बराबर 100/73, इसलिए इतने ग्राम एस सी एल बराबर 100/73 गुणे 0.6844 ग्राम, तो ये आ जाएगा 0.94 ग्राम सी एस यू थ्री। अतः इतने एम विलयन के 25 एम एल के साथ पूर्णतः अपक्रिय करने के लिए सी एस यू थ्री के 0.94 ग्राम चाहिए, अतः अभीष्ट मात्रा की आवश्यकता होगी 0.94 ग्राम सी एस यू थ्री। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगशाला से क्लोरीन का विरचन मतलब अलग करने के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी MnO2 को जलीय सीएल विलयन के साथ अभिक्रिया द्वारा निम्नलिखित समीकरण के अनुसार किया जाता है। तो Cl2 क्लोरीन को विरचन मतलब उसको एक्सट्रैक्ट करना, अलग करना, तो Cl2 को अलग करना है, तो यह Cl से Cl2 अलग हो रही है इस रिएक्शन द्वारा। 4 मोल या Cl एक्वस के लिए गए यानी विलयन प्लस MnO2 सॉलिड लिया गया, इसकी रिएक्शन कराई गई तो बन गया 2 मोल पानी का लिक्विड प्लस MnCl2 एक्वस बना प्लस Cl2 गैस बन गई। अब कह रहा है कि 5 ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ HCl के कितने ग्राम अभिक्रिया करेंगे, तो इसी रिएक्शन से हम निकाल लेंगे। देखिए 1 मोल 4 मोल HCl से रिएक्शन करता है, 1 मोल MnO2 का मतलब 87 ग्राम, इसको निकाल लीजिएगा Mn का परमाणु भार रख के और O का परमाणु भार रख के उसमें 2 का गुणा करके, क्योंकि O के 2 हैं, तो रख के निकालेंगे तो आ जाएगा 87 ग्राम। तो वही 87 ग्राम इसके 4 गुणे 36.5 करेंगे, उसके उतने मोल से रिएक्शन करेगा, उतने ग्राम से, क्योंकि मोलर मास कहें या मोल कहें एक ही बात। तो 1 मोल मतलब इसका परमाणु भार, तो इसका परमाणु भार यानी अणु भार, क्योंकि 2 से ज़्यादा परमाणु है, तो इसका निकालेंगे तो Mn के वैल्यू रखेंगे, जितना भी अणु भार हो इसका परमाणु होगा, इसका परमाणु भार और इसका परमाणु भार रखेंगे तो पूरा अणु भार आ जाएगा, क्योंकि MnO2 अणु है। तो ये आएगा 87 ग्राम MnO2 बराबर होगा HCl का 36.5 होगा, क्योंकि H का एक होता है, HCl का 35.5 जोड़ेंगे तो 36.5 आ जाएगा, 4 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 146 ग्राम मोलर मास इसका। तो 87 ग्राम MnO2 रिएक्शन करता है 146 ग्राम HCl से, इसलिए 1 ग्राम 146/87, इसलिए 5 ग्राम 146/87 गुणे 5 से आ जाएगा 8.4 ग्राम HCl। अतः HCl के ग्राम अभिक्रिय करेंगे कितने, 8.4 ग्राम HCl से 5 ग्राम MnO2। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब आज ये चैप्टर खत्म हो गया, हम नीट का अनसॉल्व करेंगे।